आई एम योर शेफ शाहिना शुमाइल एंड यू आर वॉचिंग कुकिंग विद शाहिना। और आज हमारे साथ कौन सी कंपनी मौजूद है, क्या चीजें हमारे साथ मौजूद है वो मैं यहाँ बताती हूँ। आज मेरे पास जो है वो क्यून एन का गिफ्ट बैग मौजूद है और साथ साथ हमारी रेसिपी में जाएगी इनकी रेंजेस और साथ साथ इनका मिक्स्ड पिकल भी जाएगा। और दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एडम सिक्योरिटीज लिमिटेड। और क्या इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास और क्या चीज बन रही है आज मैं आपको बताऊंगी। आज बन रहे हैं यहाँ अचारी आलू बैंगन और साथ साथ हम बनाएंगे टोमेटो राइस। और कौन सी डिश किस कुजीन से बिलोंग करती है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको उसका हवाला देती चलूं। और आज जो टोमेटो राइस बन रहे हैं वो है टर्किश डिश और आज हम एक टर्किश डिश बना रहे हैं। और अचारी आलू बैंगन वो मेरी और आपकी देसी डिश है और वो पाकिस्तानी डिश है। और जो है वो आलू बैंगन आप सबके घरों में बनते होंगे लेकिन हम उसमें देंगे आज अचार का फ्यूजन। और उसके लिए मैं यूज करूंगी क्यून एन का पिकल मौजूद है, मिक्स पिकल मौजूद है मेरे पास, तो उसे मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगी। और इसके अलावा जो इनके स्पाइसेस हैं वो भी यहाँ इस्तेमाल होंगे। जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद हैं मैं आपको लेके चलती हूँ अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आइए इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, जब हम टोमेटो राइस बना रहे हैं तो उसके लिए हमें राइस रिक्वायर्ड होंगे। और राइस लिए मैंने यहाँ बासमती 500 ग्राम आधा किलो बासमती राइस मेरे पास सोक्ड हुए हुए मौजूद हैं। उसके अलावा मेरे पास जो है वो 500 ग्राम जो है वो बैंगन मौजूद है। टोमेटोज मैंने लिए हैं तकरीबन 250 ग्राम इनकी क्वान्टिटी है। आलू जो है वो मैंने वेजेस की तरह कट किए हैं और 300 ग्राम आलू की क्वान्टिटी। अच्छा, मैंने यहाँ इक्वल इसलिए नहीं लिए हैं कि बैंगन जब हम डालते हैं तो वो क्या होता है थोड़ा सा बुझ जाते हैं, गायब से हो जाते हैं और आलू ज्यादा नजर आते हैं, तो मैंने आज थोड़ा सा डिफरेंट किया है। वैसे हम इक्वल क्वांटिटी लेते हैं लेकिन मैं आज बैंगन जो है वो ज्यादा डाल रही हूँ ताकि बैंगन जरा अच्छे से नजर आए और आलू मैंने जो है वो थोड़े से स्किप किए हैं। अगर आप चाहें तो 500 ग्राम पोटैटोज यानी कि आलू और 500 ग्राम आप यानी कि ब्रिंजल बैंगन ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हमारे साथ जाएंगे तो मैं वो यहाँ आपको बता दूं, यहाँ मेरे पास जो मौजूद है वो काली मिर्चें मौजूद हैं साबुत, ये जाएंगी टोमेटो राइस में। साबुत गरम मसाला तमाम हम जो है वो टोमेटो राइस में ऐड करेंगे। बादियान के फूल है मेरे पास, सब्ज इलायची मेरे पास मौजूद है, लौंगे मेरे पास मौजूद हैं, लौंगे जो है वो मैंने यहाँ ली हैं 8 to 10 और सब्ज इलायची 3 से 4 ली है। और हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने जो है वो साबुत लाल मिर्च ली, साबुत काली मिर्च ली है। और मैंने ये बादियान के 2 अदद अगर आप देखें तो 2 अदद फूल हैं। इसके अलावा क्यूमिन है मेरे पास, 1 टेबल स्पून क्यूमिन जाएगा इसके अंदर और पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा टोमेटो राइस में। और 1 अदद अनियन जाएगी टोमेटो राइस में, 1 अदद टमाटर जो है वो मैं शामिल करूंगी टोमेटो राइस में और 1 अदद टमाटर जो है वो मैं डालूंगी अपने अचारी आलू बैंगन में। और इसके अलावा जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी अचारी आलू बैंगन में, पिसा हुआ धनिया जाएगा अचारी आलू बैंगन में, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च जाएगी हमारी ये तकरीबन मेरे पास 2 टीस्पून है, 1 टीस्पून मैं डालूं शामिल करूंगी अपने टोमेटो राइस में, 1 टीस्पून जाएगी हमारे अचारी आलू बैंगन में। इसके अलावा जो है वो 1/4 टीस्पून जाएगा अचारी आलू बैंगन में वाइट पेपर और 1/4 टीस्पून जाएगा टोमेटो राइस में वाइट पेपर। गरम मसाले का मैंने आपको बता दिया था कि गरम मसाला पिसा हुआ मैं शामिल करूंगी टोमेटो राइस में और चिकन पाउडर मैं डालूंगी टोमेटो राइस में अगर आप चाहें चिकन, 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है, अगर आप चाहें तो चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन ब्रॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो शामिल कीजिए। अच्छा, मेरे पास यहाँ कलौंजी मौजूद है, ये कलौंजी मैं डालूंगी 1 टीस्पून अपने अचारी आलू बैंगन में और सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। और मेरे पास मौजूद है यहाँ पर दालचीनी और जायफल जावित्री, इन तीनों चीजों को मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और क्या आप सेपरेट सेपरेट भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून आप जायफल, 1/4 टीस्पून आप जावित्री और आप तकरीबन 1 सिनेमन स्टिक यानी कि 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, ये तमाम चीजें आप अपने राइस में डालेंगे, ठीक है। जितने भी गरम मसाले हैं और पिसा हुआ गरम मसाला है वो तमाम के तमाम मसाले हमारे टोमेटो राइस में जाएंगे। और इसके अलावा नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, कलौंजी
और ब्लैक पेपर थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल करेंगे और व्हाइट पेपर शामिल करेंगे अपने अचारी आलू बैंगन में। अच्छा, अचार का जो मिक्स पिकल है क्यूनिन का वो जाएगा 1 टेबल स्पून भर के, मैं इसमें मिक्स पिकल अचार ऐड करूंगी। इसके अलावा जो वो मौजूद है मेरे पास गार्लिक पेस्ट, अचारी आलू बैंगन में 1 टेबल स्पून क्यूनिन का गार्लिक पेस्ट जाएगा। बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी होती है, फ्रेश इनकी क्वालिटी होती है। साथ साथ मेरे पास टोमेटो करी पेस्ट है जो कि मैं टोमेटो राइस में भी डालने वाली हूँ और अचारी आलू बैंगन में भी डालने वाली हूँ। और आज टोमेटो राइस कितने आसान हो गए हैं बनाने तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि क्यूनिन ने कितना आसान कर दिया, आपके किचन को सिंपल कर दिया है। और साथ साथ मेरे पास जो मौजूद है वो ग्रीन चिली पेस्ट है, ग्रीन चिली पेस्ट भी मैं दोनों में शामिल करूंगी और 1/2 टीस्पून तकरीबन मैं शामिल करूंगी अपने अचारी आलू बैंगन में और 1 टीस्पून मैं शामिल करूंगी इसमें अपने टोमेटो राइस में। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी टोमेटो राइस में शामिल होगा, 1 टेबल स्पून के करीब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे अपने टोमेटो राइस में। तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं और चलते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। और सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाने से पहले जो है वो मुझे बैंगनों को कट करना है, क्योंकि मैंने पहले से कट नहीं किया था क्योंकि वो आपको पता है ब्लैक हो जाते हैं, तो मैंने पोटैटोज को टाइम बचाने के लिए कट कर लिया था और बैंगनों को मैंने कट नहीं किया था, तो मैं करूंगी यहाँ बैंगनों की कटिंग। अच्छा, राइस की हमें अभी जरूरत नहीं है, मैं इसको बैक पे रख देती हूँ। बैंगनों को मैं यहाँ कट कर रही हूँ और तकरीबन वेजेस स्टाइल में मैं कट कर रही हूँ, और ताकि आप भी जो है वो इसी स्टाइल में करें, और चाहें तो आप डिफरेंट कट्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, जो आपको अच्छा लगता है। मुझे आलू बैंगनों में ये अच्छा लगता है, तो मैंने पोटैटोज भी वेजेस स्टाइल में कट किए हैं, तो मैं बैंगनों को भी वेजेस स्टाइल में कट कर रही हूँ। अच्छा, ग्रीन वाला पार्ट इसका रिमूव नहीं कर रही, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इसको वॉश किया हुआ है, तो आप भी बहुत अच्छे से वॉश करें तो इसके साथ आप इसे डिश आउट कर सकते हैं, पका सकते हैं, कुक कर सकते हैं जी। तो यहाँ हो गई है हमारी कटिंग, बैंगनों की कटिंग हो गई है यहाँ। अच्छा जी, अब टमाटर मैं ले लूँ, 1 अदद टमाटर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी अपनी, और 1 अदद टमाटर जो है मैं शामिल करूंगी टोमेटो राइस में। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 1 अदद टमाटर कट कर रही हूँ और इसको रफली सा आपने कट कर लेना है, कोई भी शेप मैटर नहीं करता, चॉप्ड कर लें आप इसे, क्यूब्स में कट कर लें, जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से कर लें। मैं यहाँ चॉप्ड कर रही हूँ, टमाटर मैं यहाँ चॉप्ड कर रही हूँ, फाइन चॉप मैंने कर लिया है अपनी नाइफ से, बहुत नाइसली चॉप्ड हो गया है। और इस तरह ही आप टमाटरों को ज़्यादातर यूज़ करा करें जी।
तो यहाँ पर हो चुका है वो टमाटर चॉप्ड हो चुके हैं। और आते हैं हम अपने कुकिंग की तरफ, प्रोसेस की तरफ। तो मैं अब बिस्मिल्लाह कर रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, मैंने स्टोव को ऑन कर लिया है और आज मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सरसों का तेल, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होती हैं वो हमेशा सरसों के तेल में बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप अराउंड मैं ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल, और 1/4 कप मैंने डाला है। अगर आप ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और कोशिश कीजिए कि ऑयल की क्वांटिटी हमेशा कम इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये, अच्छा सरसों का तेल है, सरसों का तेल इस्तेमाल करने का प्रोसेस होता है, सरसों का तेल इस्तेमाल करने का प्रोसेस ये होता है कि आपने सरसों का तेल लेना है, जितना भी आपके घर में आया है, 1 kg आया है, तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा जलाना है। और उसको जलाते कैसे हैं, आपने उसको गर्म करने रख देना है। जब वो काफ़ी हद तक गर्म हो जाए तो आप उसमें कोई भी डबल रोटी का पीस ले लें, या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें, रोटी का निवाला ले लें, या आप अनियन का जो छिलका होता है या आलू का जो छिलका होता है वो डालें। और जब वो चीज़ आपकी जल जाए तो आप क्या करें, उसके बाद जो है वो अपना ऑयल को ठंडा करें, और ठंडा करके अपनी बॉटल्स में भर के रख लें और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे उसकी उसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, आ जाते हैं वापस अपनी रेसिपी की जानिब। और यहाँ पर जो है मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है, और साथ साथ जो है वो मैं गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। क्यूनिन का गार्लिक पेस्ट यहाँ मौजूद है, आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक चॉप्ड हुआ हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्यूनिन ने किचन को कर दिया है आसान। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर क्यूनिन का गार्लिक पेस्ट, अराउंड 1 teaspoon मैंने गार्लिक पेस्ट यहाँ ऐड किया है। और स्पून ले लेते हैं, फ्लेम को आपने थोड़ा लो रखना है। और मैंने ऑयल में ये गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, साथ साथ जो है वो मेरे पास यहाँ जो मौजूद थे पोटैटोस मैंने वो ऐड किए हैं, और मैं अब इनको कर रही हूँ फ्राई गार्लिक के अंदर। गार्लिक है, ऑयल है मेरे साथ मेरे पास, और साथ साथ मेरे पास जो आलू हैं वो मैंने यहाँ डाले हैं, और मैं कर रही हूँ इन्हें फ्राई। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, फ्राई करते वक्त मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, क्यूमिन। तकरीबन मैं 1/4 teaspoon मैं क्यूमिन ऐड कर रही हूँ, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन, ज़ीरा, और आपने डालने हैं आलू, और उसको करना है फ्राई। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, चॉप्ड हुआ हुआ जी। तो यहाँ पर ये हो गए हैं फ्राई, तकरीबन 1 से 2 मिनट, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना है, जस्ट हमने इसको एक कलर सा देना है। अच्छा, साथ साथ जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद हैं, जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। कलौंजी मेरे पास 1 teaspoon मौजूद है, मैं 1 teaspoon इसमें कलौंजी शामिल कर रही हूँ। पिसा हुआ धनिया, कोरिएंडर पाउडर 1 tablespoon मेरे पास मौजूद है, आई एम गोना ऐड दिस। साथ साथ ब्लैक पेपर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, तकरीबन 1/2 teaspoon मैं इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया है, 1/4 teaspoon मैंने इसमें वाइट पेपर शामिल किया है। पिसी हुई लाल मिर्चें मेरे पास मौजूद हैं, 1 teaspoon मैंने वो ऐड करी हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, मैं भी अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पे मिक्स पिकल ऐड करूँगी, उसमें भी सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट डालते हुए आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे जी। तो यहाँ मैंने मसाले अपने शामिल कर दिए हैं, और साथ साथ जो मेरे पास यहाँ पे क्यूनिन का ग्रीन चिली पेस्ट मौजूद है, मैं हरी मिर्चें चॉप करने के बजाय यहाँ पर बहुत ही आसानी से ये ग्रीन चिली पेस्ट यहाँ शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1/2 teaspoon मैंने इसमें ये पेस्ट ऐड किया है, और साथ साथ मैं अब थोड़ा सा अपने स्पून को चलाऊँगी ताकि हमारा मसाला ना जले। और हम क्या करेंगे, जल्दी से झटपट से जो है वो इसके अंदर ये टोमेटो ऐड करेंगे, चॉप किए हुए टोमेटो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्यूनिन का अचार जो मौजूद है, मिक्स पिकल जो मौजूद है, तो मैं 1 tablespoon मिक्स पिकल इसमें ऐड कर रही हूँ,
बहुत फ्रेश इनका अचार है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ठीक है जी, और मैं यहाँ पर मिक्स पिकल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून। यहाँ मैंने ऐड किया है मिक्स पिकल और साथ साथ जो है वो क्यूनेन का टोमेटो कड़ी पेस्ट यहाँ मेरे पास मौजूद है। और टमाटर, अगर आप टोमेटो कड़ी पेस्ट ना यूज़ करें तो आप टमाटरों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो है वो क्यूनेन ने आसान कर दिया है, तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून टोमेटो कड़ी पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है, तमाम मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और झटपट से ये हमारे अचारी आलू बैंगन तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं भूनूंगी अगेन मसालों को और बहुत अच्छा सा देखें कितना प्रिटी कलर आ रहा है इसका, जबकि मैंने इसमें हल्दी नहीं शामिल करी है, फिर भी बहुत अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। अच्छा, साथ साथ जो है वो ब्रेक का टाइम भी हो रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके सामने ये बैंगनों को इसमें ऐड कर दूँ और उसके बाद ले लें हम ब्रेक। तो ये मैं बैंगन ऐड कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। जी, तो बैंगन मैंने ऐड कर दिए हैं और इनको भी मैं अच्छे से मिक्स करके कवर करूँगी और हम जाएंगे ब्रेक पे। मैं जल्दी जल्दी से इनको मिक्स कर रही हूँ। जी, तो ये मैंने मिक्स कर लिया है इनको और अब मैं इसको कुक करूँगी। तो कवर कर देते हैं हम, और मैंने इसको कवर कर दिया है और साथ ही टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, तो लेते हैं ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और करते हैं अपनी रेसिपी को कंटिन्यू। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या बनाया था, हमने बनाए थे अचारी आलू बैंगन, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जो हमने इसमें मसाले डालने थे, आलू डालने थे, बैंगन डालने थे, टमाटर डालने थे, स्पाइसेस डालने थे, हमने सब इसमें डाल के और इसको हमने पकाने के लिए रख दिया। और थोड़ा सा मैंने इसमें वाटर ऐड किया है, वैसे वेजिटेबल्स में वाटर ऐड नहीं होता, लेकिन मैं थोड़ा सा तकरीबन, क्योंकि वेजिटेबल्स अपना ही पानी छोड़ती हैं, लेकिन मैं हल्का सा सॉफ्टनेस के लिए, कि सॉफ्टनेस आ जाए, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ 5 टेबल स्पून यानी के 1/4 कप से भी कम मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। और ब्रेक में मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था मेरे पास 2 अदद बड़े बिग साइज़ के टमाटर थे, जिसमें से 1 अदद टमाटर मैंने यूज़ किया था अपने अचारी आलू बैंगन में, और 1 अदद टमाटर मैंने मज़ीद यहाँ चॉप कर लिया था ब्रेक में, क्योंकि टाइम होता है थोड़ा सा शॉर्ट। अच्छा, साथ साथ जो है वो एक कॉल है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम उमामा है। जी उमामा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है उमामा शो आपको? हेलो जी, मैं आपका शो देखती हूँ रोज, वेनस HD से आता है आपका शो। जी, कैसा लगता है आपको हमारा शो? अच्छा लगता है बहुत। अभी आप आलू बैंगन बना रही हैं? जी, आज मैं अचारी आलू बैंगन और टोमेटो राइस बना रही हूँ। जरूर ट्राई कीजिएगा हमारी इस रेसिपी को। और बताएं, इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आप चिकन बिरयानी बनाइएगा। जी इंशाल्लाह, जरूर हम चिकन बिरयानी बनाएंगे, आपकी इस फरमाइश को पूरा करे जाएगा। और साथ साथ आपको हम दे रहे हैं आज यहाँ पे गिफ्ट बैग, क्यूनेन का हमारे पास जो गिफ्ट बैग मौजूद है वो हमारी फर्स्ट कॉलर के लिए था, तो आज हम आपको वो गिफ्ट बैग दे रहे हैं। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे गिफ्ट दिया। वेलकम।
जी चैलेंज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए जी अल्लाह हाफिज़। अच्छा बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी सी हमारी कॉलर थी, हमने उनसे बात की। अच्छा अचारी आलू बैंगन का मैं आपको रिकैप दे रही थी, तो मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ आपको कि मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको कुक करने रख लिया था। तकरीबन आपने इसको 20 मिनट्स कुकिंग टाइम देना है, इससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा। वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करते हैं क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, और क्या होता है कि वो जो है उनकी ग़िज़ाइयत अपनी कम हो जाएगी जब हम ज़्यादा कुक कर देंगे। तो ना आपने अंडर कुक रहने देना है, ना आपने ओवर कुक करना है, ठीक है। वेजिटेबल का जो कलर है वो कलर चेंज ना हो, इस हद तक आप वेजिटेबल्स को कुक किया करें। अच्छा जी आ जाते हैं हम अपने टोमेटो राइस की तरफ, और स्टोव को कर दिया है मैंने ऑन, और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ऑयल। तकरीबन मैं यहाँ पर 5 टेबल स्पून अराउंड मैंने ऑयल ऐड किया है, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। साथ ही जो है वो थोड़ा सा हम ऑयल को गर्म होने देंगे, और अब हम इसमें जो साबुत गर्म मसाले जो हमारे पास मौजूद हैं वो तमाम के तमाम इसमें डालेंगे। जीरा 1 टेबल स्पून, जायफल, जावित्री एंड दालचीनी जो मिक्स करके मैंने रखी हुई थी 1/4 टी स्पून, सब्ज इलायचियाँ, इसके अलावा जो है वो बादियान के फूल, लौंगे साबुत लौंगे 8 से 10, साबुत काली मिर्चें, साबुत तमाम गरम मसाले डालने के बाद यहाँ पर एक अनियन जो मैंने चॉप करके रखी हुई है, एक अनियन मैंने साथ इसके डाल दी है, और अब हम इसको हल्का सा सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है अपनी अनियन को, सौते ही रखना है जी। अच्छा जी ये हमने सौते कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है। अच्छा जी सौते करना है, इसके अलावा जो सॉसेस यहाँ जाएंगे, यहाँ मैं क्यूनिन का जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास मौजूद है, अराउंड 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा हम इसको भी मज़ीद भूनेंगे ताकि हमारी प्याज और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए जी। अच्छा साथ साथ जो है वो ये फ्राई हो रहा है, इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली पेस्ट, आप चाहें तो फ्रेश ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं, लेकिन जब इतनी आसानी हो गई तो क्या ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर ये शामिल किया है 1/2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर डालूंगी टोमेटो कड़ी पेस्ट। क्यूनिन का टोमेटो कड़ी पेस्ट है मेरे पास, तो मैं ये इसे शामिल करूंगी। अच्छा टोमेटो कड़ी पेस्ट अगर आप ना शामिल करें तो आपने क्या करना है, एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ये टोमेटो राइस में टोमेटो कड़ी पेस्ट शामिल किया है। अगर हम ये पेस्ट घर में बनाते हैं तो वो किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। आपने लेने हैं तकरीबन 4 टमाटर, उसके बाद आपने जो है वो उसको गर्म पानी करना है और उसमें उसको ब्लांच कर लेना है। जब आपके टमाटर ब्लांच हो जाएं तो उसकी स्किन रिमूव करेंगे और उसकी प्यूरी सी बना लेंगे, और लेकिन टोमेटो करी पेस्ट का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है, और क्यूनिन का स्पेशली बहुत अच्छा फ्लेवर है, तो मैं इसे भी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इससे हो गई है हमें आसानी टोमेटो राइस बनाने में बहुत। अच्छा जी ये यहाँ पर मैंने मिक्स किए हैं, गरम मसाला मैंने ऐड किया है, ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और साथ साथ जो एक अदद बड़ा मेरे पास टमाटर मौजूद था चॉप्ड हुआ हुआ, मैंने वो भी यहाँ पर शामिल किया है। हम करेंगे इसको मज़ीद मिक्स, और हम डालेंगे इसमें अब जो है वो ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, और हमने डालना है यहाँ पर वाइट पेपर 1/4 टीस्पून, और चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून मेरे पास मौजूद है, मैं तमाम का तमाम चिकन पाउडर डाल रही हूँ, आप चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। जी तो यहाँ टोमेटो राइस में मैंने डाल दी हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स, और साथ साथ मैं डालूँगी अब सॉल्ट,
और वाइट पेपर जो मेरे पास मौजूद है मैं कुछ शामिल कर चुकी हूँ, तमाम मसाले शामिल हो गए हैं। अब हम डालेंगे सिर्फ गरम मसाला एंड देन सॉल्ट। राइस मैंने अच्छे से सोक करके रखे हुए थे और उनका जो ऊपर का वाटर है वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है जी। तो ये हो गए हैं बहुत अच्छे से, हमारी प्यूरी सी बन गई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये गरम मसाला पाउडर और साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून अराउंड हमने इसमें ऐड किया है सॉल्ट। 500 ग्राम मेरे पास जो है वो चावलों की क्वांटिटी मौजूद है। थोड़ा सा मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी ताकि हमारा मसाला जले नहीं। इसको मिक्स करेंगे मज़ीद जी। तो अब हम ये जो सोक किए हुए चावल हैं ये इसके अंदर शामिल करेंगे। टोमेटो राइस मैंने इसमें शामिल किए हैं। जी तो यहाँ टोमेटो राइस में हमने वाटर भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको कुक करेंगे और इसको आपने हाई फ्लेम पे कुक करना है। राइस हमेशा हाई फ्लेम पे कुक्ड होते हैं और जिन चीज़ों की हमें नीड नहीं है वो भी यहाँ से हम हटा लेते हैं। इनके सिर्फ हम सॉल्ट यहाँ पर रहने देंगे क्योंकि सॉल्ट हम टेस्ट करेंगे। जी तो नीटनेस भी हो गई है हमारी और साथ साथ हमारे पास क्यूनिन मौजूद है। अच्छा इसके अलावा अचार ही आलू बैंगन की क्या पोजीशन हुई है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो देखें अभी ये इसमें थोड़ा सा टाइम है। हम इन्हें मजीद कुक्ड होने देते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा मैं मीडियम कर रही हूं ताकि हमारा जो वाटर वगैरह है वो सही से रिलीज हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी यहाँ पर टोमेटो राइस भी बन रहे हैं और साथ साथ मैं बता दूँ टर्किश डिशेस जो है वो किस टाइप की होती हैं। टर्किश डिशेस में जो है वो टोमेटोज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गरम मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर हम मीट की बात करें तो वो लोग लैम्ब मीट जो होता है यानी कि दुम्बे का जो गोश्त होता है वो बहुत ज़्यादा उनकी डिशेस में जाता है और उनकी एक बिरयानी होती है जिसमें वो लोग शलजम ऐड करते हैं। तो सुनकर बहुत अजीब लगता है लेकिन जब हम बनाते हैं तो वाकई उसका एक टेस्ट होता है और बहुत ही मज़ेदार होती है। वो शलजम की वो बिरयानी होती है तो उसमें पूरे शलजम जो होते हैं वो उन्होंने टर्निप जो होते हैं उन्होंने कट करके और एक तह बनाई हुई होती है। जैसे हम तह वाली बिरयानी बनाते हैं जिसमें हम आलू ऐड करते हैं तो वो लोग उस स्टेज पर आलू ऐड नहीं करते, वो लोग उस स्टेज पर टर्निप ऐड करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये छोटी छोटी सी बातें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, बताती हूँ, इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। और सारे दुनिया के जो तमाम खाने वो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि वो चीज़ें तो देखें अल्लाह ताला की बनाई हुई हमें नेमतें हैं जो सब जगह मौजूद हैं, बस उसके नाम डिफरेंट हैं, तरीक़ेकार डिफरेंट है, लेकिन बेसिकली अगर हम उनकी बात करें तो वो चीज़ें हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई हैं, नेमतें हैं। तो हम लोगों को हम सबको जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छे तमाम फ्रूट्स दिए, वेजिटेबल्स दिए और अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया कि हम जो है वो गोश्त वगैरह खा सकते हैं। अगर हम और दूसरे मज़ाहिब की बात करें तो वहाँ पर अलाउ नहीं है लेकिन ये देखें कितना फ्लेवरफुल होता है। अच्छा साथ साथ जो है वो मैं बता रही थी आपको कि लैम्ब मीट में वो लोग अपने खाने बनाते हैं और उसके साथ साथ जो है वो जितना वो लैम्ब मीट लेते हैं उतना ही वो लैम्ब का फैट भी यूज़ करते हैं। तो वो फैट जो है वो उनके बहुत थोड़े से फैटी खाने होते हैं लेकिन हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है, ब्यूटी होती है और उनके खाने होते हैं। अच्छा साथ साथ जो है वो बन रहे हैं यहाँ पे टोमेटो राइस और साथ साथ बन रहा है अचारी आलू बैंगन। और मैं आपको बताऊंगी, रिकैप दूंगी अचारी आलू बैंगन का, अचारी आलू बैंगन को मैंने किस तरह से बनाया था। तो अचारी आलू बैंगन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया था सरसों का तेल। सरसों के तेल में मैंने इस्तेमाल किया था 1 टेबल स्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट
और साथ साथ मैंने उसके अंदर शामिल किए था टोमेटो कड़ी पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट और क्यूनन के ये सारे पेस्ट थे मेरे पास मौजूद, इनकी रेंज तो मैंने वो इस्तेमाल की थी। और उसके साथ मैंने जो है वो इसके अंदर टोमेटो ऐड किया था एक अदद, और मैंने पिकल, मिक्स पिकल यानी के अचार जो है वो मैंने, क्योंकि अचार ही आलू बैंगन है तो मैंने अचार ऐड किया था, और मैंने जो है वो ज़ीरा ऐड किया, और मैंने लहसुन, ज़ीरे और आलूओं को फ्राई किया था। उसके बाद मैंने टोमेटो करी पेस्ट, मिक्स पिकल और ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल की थी। उसके बाद मैंने जो है वो जब टमाटर डाल दिया तो वो मैंने बैंगन यहाँ पर ऐड किया था। अच्छा, बैंगन मैंने जो ऐड किया उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर डाला, और वाटर डाल के हम इसे कुक कर रहे हैं, और मैं देख लेती हूँ अब कि ये किस पोजीशन पे आया है, और ये तकरीबन हमारा कुक होने वाला है। आप देखें कि मैंने आलू कम डाले थे लेकिन फिर भी आलू ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और बैंगन जो है वो कम नज़र आ रहे हैं, तो यही वजह थी बैंगन ज़्यादा डालने की। लेकिन अगर आप इक्वल क्वांटिटी पसंद करते हैं तो इस अप टू योर चॉइस, आप डाल सकते हैं इक्वल क्वांटिटी में भी। सारा जो वाटर था तमाम का तमाम वो जो है वो रिमूव हो चुका है, इसमें से एब्जॉर्ब कर लिया है। और मैं अब क्या कर रही हूँ, फ्लेम को थोड़ा सा लो कर रही हूँ, अब मैं मज़ीद जो है वो लो फ्लेम पे बनाऊँगी। अच्छा, साथ साथ जो है वो ब्रेक का टाइम हुआ है तो हम जो है चावलों को अपने बाद में देखेंगे और अब ब्रेक ले लेते हैं। सो कहीं नहीं जाना आपने, ब्रेक के बाद हमें दोबारा से ज्वाइन करना है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक, और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको दिया था अचारी आलू बैंगन का रिकैप, और साथ साथ जो है वो टोमेटो जो राइस यहाँ बन रहे हैं वो भी हो चुके हैं तकरीबन डन। तो देख लेते हैं एक नज़र कैसे बने। वाओ, इट्स ऑलमोस्ट डन, सिर्फ हम एक से दो मिनट इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा हम इसको कुक्ड करेंगे, और मैं थोड़ा सा स्पून चला लूँ। आपने कलर देखा कितना खूबसूरत कलर आया है, और ये वही कलर आया है जो हम आलू की तहारी बनाते हैं घर में। इसको देख के लिटरली मुझे आलू की तहारी याद आ गई है। लेकिन टोमेटो राइस ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। साथ साथ वीनस एचडी टीवी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाकर भी जो है आप हमारी रेसिपीज़ इंजॉय कर सकते हैं। कोई जिस मिस हो जाए तो आप जाकर वहाँ पर पाउस करके अपनी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। साथ साथ अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप हमें कर सकते हैं लाइव कॉल, और स्क्रीन पर आ रहे होते हैं हमारे नंबर्स। और साथ साथ इसके अलावा कोई रेमेडी पूछनी है तो आप हमसे रेमेडी भी पूछ सकते हैं। और आज जो है वो टोमेटो राइस बने हैं, बहुत मज़ेदार राइस बनते हैं ये। और साथ साथ देखें आप, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसान दे। ऑयल भी आप देखें कि इसमें बहुत कम क्वांटिटी पे यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल करा था। टोमेटोज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और बहुत ज़्यादा आपका जो है वो वेट लॉस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अच्छा, टोमेटो की मैं भी एक रेमेडी बता दूँ, क्योंकि जब टोमेटोज मेरे सामने आए तो मैंने सोचा एक रेमेडी आपसे शेयर कर लूं। तो आपने एक टोमेटो लेना है, उसको बीच से कट कर लें और उसको फ्रीजर में रख लें। उसके बाद जब वो थोड़ा सा क्यूब टाइप का, यानी कि आइस क्यूब टाइप का, जब वो जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद आप अपने फेस पे उसको मोशन, आपने सर्कुलर मोशन में आपने अपने फेस पे लगाना है उसको, और लगा के उसको 5 to 8 minutes में अपना फेस जो है वो ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से वॉश कर लें। बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी, थोड़ा सा जो स्किन में जो आपके ब्लैक हेड्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो ब्लैक हेड्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और रेड टोमेटो राइस बन रहे थे तो मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा क्यों ना शेयर की जाए आपके साथ। अच्छा जी, आज जो है हम इसको डिश आउट करेंगे, और अब बारी है डिश आउट की। साथ साथ देख लेते हैं हमारे अचारी आलू बैंगन ऑलमोस्ट डन, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही खूबसूरत कलर है, और आप ये देखें कि हल्दी इसमें यूज़ नहीं की गई, फिर भी इतना प्यारा इसका कलर यहाँ आया है। अच्छा जी, इसको मैं कवर कर दूंगी और अपने राइस को देख लेती हूँ मैं। राइस हमारे ऑलमोस्ट डन है, और मैं अपने राइस को निकालूंगी। अच्छा जी, ये राइस यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ,
और राइस मैंने निकाल लिए हैं। अब बारी है हमारे अचारी आलू बैंगन निकालने की, तो मैं यहाँ पर जो है वो अचारी आलू बैंगन को निकाल रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसके टॉप पर ही अचारी आलू बैंगन की लेयर कर रही हूँ। ठीक है जी, तो ये मैं यहाँ पर लेयरिंग कर रही हूँ। और आप देखें कि मेरे बैंगनों का कलर ग्रीन नहीं हुआ है, वरना पकाने के बाद आप लोगों के बैंगन जो है वो कलर चेंज हो जाता है। मेरे बैंगनों का कलर जो है वो पर्पल ही रहा है। तो ये है गजाइत ख़त्म ना करने की टिप जो कि मैंने आज आपको दी। जी जनाब, तो यहाँ हो गए हमारे अचारी आलू बैंगन डन, और हमने कर दिया इसे डिश आउट। और साथ साथ जो क्यून इनका गिफ्ट पैक भी है जो हमारे कॉलर ने विन किया है, हम उसे भी यहाँ पर रख देंगे। अच्छा, ये मैं सारी सेट कर दूंगी अच्छे से। एंड इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी हो गई है डन। और इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। साथ साथ हम शेयर करेंगे यहाँ पर आपसे बहुत सारी बातें, और शेयर करते हैं हम आपसे यहाँ रेमेडीज़। और इसके साथ ही मुझे और मेरी वीना साची टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।